हाय एवरीवन, मैं फिरोज खान वेलकम करता हूँ आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे टॉपिक कवर करने वाले एंटीबायोटिक्स ड्रग्स। अब फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक रहेगा ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, यानी फ्रेंड्स चैप्टर 12 आज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं आपका एंटीबायोटिक्स हमारी क्या होती हैं। अब फ्रेंड्स, इसको फुल डिटेल्स में भी देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन, साथ ही फ्रेंड्स हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशंस, साथ ही हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारे जो स्टार मार्क वाली ड्रग्स होती है जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है विद एग्जाम्पल, फ्रेंड्स हम उसको यहाँ पर फुल डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहते हैं। यानी सीरियल वाइज फ्रेंड्स आपका जो सिलेबस है यहाँ पे ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो ही चुका है। ये ओनली फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो फ्रेंड्स यूनिट आपकी 13 रह रही है, यानी यूनिट 13 फ्रेंड्स एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, यानी फ्रेंड्स एक ही वीडियो लेक्चर्स इसके बाद आपका रह जाएगा, जिससे आपका यहाँ पे सिलेबस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। अब फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ये क्या होती है। तो जनरली फ्रेंड्स भाई एंटीबायोटिक्स आप सभी जानते हैं, यानी कोई भी फ्रेंड्स आपको डिसीज़ हो, कोई भी बीमारी हो, भाई किसी भी तरह की आप दवाई लेने जा रहे हैं, तो मोस्टली क्या देखा जाता है जो फ्रेंड्स आपके डॉक्टर्स होते हैं भाई फिजिशियंस डेंटिस्ट या कोई भी थेरेपिस्ट आपका होता है, क्या होता है फ्रेंड्स मोस्टली एंटीबायोटिक्स आपको देता है। अब भाई एंटीबायोटिक्स देता क्यों है, यानी मोस्टली फ्रेंड्स जितनी भी आपकी डिसीज़ होती है सभी के होते हैं एक तरह से इन्फेक्शन आपका होता है, यानी वो इन्फेक्शन फ्रेंड्स जो आपको बैक्टीरिया के थ्रू हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ, फ्रेंड्स सभी में क्या होता है यहाँ पर आपकी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये मोर इफेक्टिव यहाँ पर होती है। अब फ्रेंड्स चलिए कुछ बेसिक हम समझते हैं, यानी फ्रेंड्स हमारे जो पहले हमारी एंटीबायोटिक्स नहीं होती थी, क्या होता था फ्रेंड्स जो हमारी जनरल दवाइयाँ होती थी वही यहाँ पर चलती थी। देन क्या हुआ फ्रेंड्स, आई थिंक 1829 में शायद फ्रेंड्स सनाप कंफर्म कर ले, जो हमारे एक साइंटिस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर रहे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया 1829 ईस्वी में क्या किया था, एक पेनिसिलिन नामक एक मतलब हमारी क्या थी सबसे हमारी फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स मान जाती है वो पेनिसिलिन ही हमारी मान जाती है, जिसको फ्रेंड्स किससे ऑब्टेन किया था यहाँ पर हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था पेनिसिलिन नोटाटम, तो फ्रेंड्स उससे हमने फर्स्ट टाइम क्या किया था एंटीबायोटिक्स को कंटेन यहाँ पे क्या थे यानी लिया था एक तरह से बनाया था। अब फ्रेंड्स इसी भी जो यहाँ पे एक तरह से इन्वेंट जो इसका हुआ था वो अचानकली यहाँ पे देखने को मिला था, तो उसकी हिस्ट्री फ्रेंड्स हम बाद में आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारी एंटीबायोटिक्स होती क्या है। तो जनरली फ्रेंड्स इसके लिए आप टू वर्ड यहाँ पे समझिए, यानी हमारे जो क्या होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स, अब इसको टू जगह फ्रेंड्स आप तोड़ लीजिए, फर्स्ट देख लिया आप एंटी, देन सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे बायोटिक्स, यानी फ्रेंड्स एंटी का मीन्स होता है अपोस या किसी भी चीज़ को डिलीट करना, बायोस का मीन्स आप जनरली जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ, यानी फ्रेंड्स जनरली आप इसकी डेफिनेशन समझिए वो एजेंट्स जिनका यूज़ हम लाइफ के अपोजिट करते हैं उन्हीं को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। यानी किसके लाइफ के अपोजिट फ्रेंड्स से वर्क करेंगे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, अब भाई अपोजिट वर्क करेंगे तो या तो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे कम करेंगे, साथ ही फ्रेंड्स क्या करेंगे इसको किल करने का यानी मारने का वर्क यहाँ पर करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। अब फ्रेंड्स चल देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस, यानी दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेंड फ्रॉम वेरियस स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्रेंड्स भाई आप कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, यानी भाई क्या हो रहा है हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इनका यूज़ कर रहे हैं, साथ में इनको ऑब्टेन हम कहाँ से कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यू तो ये कैसे हो रहा है। तो हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये क्या होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन की जाती है, साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे किल करती हैं। अब फ्रेंड्स ये कैसे होता है चलिए आगे देख लेते हैं, दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी भाई मान लीजिए चलिए क्या है फ्रेंड्स टू आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अब चलिए एक ही हम लेते हैं एक ही आप हो जाते हैं, अब भाई दोनों हो गए, अब मान लीजिए हमसे किसी ने कोई चीज़ ली और आपको पहुँचा दी, यानी फ्रेंड्स आपने नोट्स कहाँ से लिए हमसे लिए, जे आपने क्या भाई मान लीजिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर गए वहाँ से क्या लिया आपने हमसे नोट्स ले लिए, साथ में आपने किसी अपने फ्रेंड को नोट्स दे दिए, तो क्या हुआ फ्रेंड्स यानी आपने एक बंदे से लिए दूसरे को दे दिए, भाई लिए तो आपने इंसान से ही है साथ में इंसान को आपने दिए, तो इसका मीन्स क्या होता है यानी आपने किसी अनदर इंसान से नोट्स लिए और अनदर इंसान को यहाँ पर दे दिए। इसी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है जो एनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी से आपने इसको कंटेन किया साथ ही में किसी को आपने इससे किल किया, इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स हमारी जो होती है ये हमारी एंटी बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसको यहाँ पे किल करने का वर्क ये करती हैं। यानी फ्रेंड्स क्या होता है भाई डिसीज़ आपकी क्या होता है वायरल यानी इन्फेक्शन से होती है, तो क्या होता है मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती है फ्रेंड्स वो डिसीज़ में यहाँ पे वर्क करती हैं। अब देख लेते फ्रेंड्स हमारे एंटीबायोटिक्स किस तरह से वर्क करती हैं, यानी इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। अब फ्रेंड्स क्या होती है हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ये भी टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट हमारी होती है बैक्टीरियोसाइडल, अब फ्रेंड्स ये कौन सी होती है तो डायरेक्टली क्या करती है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ को कम नहीं करती डायरेक्ट किल कर देती है भाई जा खत्म का। देन हमारे जो है बैक्टीरियो स्टेटिक फ्रेंड्स होती है ये उसको पूरा किल नहीं करती है, क्या करती है फ्रेंड्स उसकी ग्रोथ को इतना इनहिबिट कर देती है जिससे वो लिविंग बॉडी पे कोई भी उसका साइड इफेक्ट यहाँ पे ना हो सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही बहुत ही अच्छे से इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी।
अब फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन आप चाहे तो हिंदी प्लस इंग्लिश में आपके लिए अवेलेबल है, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी फ्रेंड्स हमारे जो एंटीबायोटिक्स होती है कितने बेस पर किस तरह से इनको क्लासिफाइड यहाँ पे क्या हुआ है, तो फुल डिटेल्स में फ्रेंड्स हम इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स इस जो हमारा केमिस्ट्री बजे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने वाले लेते हैं। फर्स्ट यानी एंटीबायोटिक्स। अब फ्रेंड्स नज़ला हो रहा है भाई, इस वजह से थोड़ी आवाज़ में आपको डिफरेंट है, तो आप एचएट्स यहाँ पे कर लें। तो फर्स्ट हमारी आ जाती है फ्रेंड्स बीटा एक्टम एंटीबायोटिक्स। अब फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से ड्रग्स हमारे रखी हुई हैं, तो फर्स्ट जो हमारी फ्रेंड्स जैसे खोज हमारी की गई थी पेनिसिलिन की, तो फ्रेंड्स वो इसी में यहाँ पे रखी हुई है। साथ ही में हमारी एमोक्सिसिलिन, फ्रेंड्स आपने जनरल नाम सुना है ना भाई, एम्पोक्सिन, एमोक्सिसिलिन, नोएमोक्स, इब्रांडनेम वगैरह, साथ ही यानी जनरली साल्ट चलने वाला है हमारा एमोक्सिसिलिन। देन चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अब फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हमारी आती हैं, तो एक फ्रेंड्स हमारी आती है इसमें स्ट्रिप्टोमाइसिन, देन सेकंड हमारी आ जाए फ्रेंड्स जेंथामाइसिन। अब स्ट्रिप्टोमाइसिन है फ्रेंड्स, इसको एंटी ट्यूबरकुलर भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। अब फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो इसमें एरिथ्रोमाइसिन फ्रेंड्स हमारी आती है, और फ्रेंड्स हमारी क्लेरिथ्रोमाइसिन जा रही है, साथ ही में एजिथ्रोमाइसिन। अब फ्रेंड्स एजिथ्रोमाइसिन जो है हमारी मेनली यूज़ की जाती है हमारे जो गले में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसमें। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स आती हैं, तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन हमारी आती है, मोनोसाइक्लिन इसमें हमारी रखी हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी फ्रेंड्स पोलिन एंटीबायोटिक्स। अब ये जो फ्रेंड्स हमारी दोनों ही होती है एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे निस्टाटिन होती है, साथ ही में हेमिसिन हमारी यहाँ पे रखी हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो फ्रेंड्स इसमें हमारी क्लोरामफेनिकोल आपकी ओनली रखी हुई है। तो इन टॉपिक्स को फ्रेंड्स आप अगर बी फार्म के बेस से देखें तो पूरी डिटेल्स में हमें इसको यहाँ पे पढ़ना होता है, लेकिन आपका डी फार्म है तो इतना डीपली आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स जो हमारे लास्ट एंटीबायोटिक्स आती है वो इस कैटेगरी में रखी जाती है मिसलिनियस एजेंट। जैसे फ्रेंड्स हमारी लिफाम्पिन होती है, कलिंडामाइसिन होती है, नियोमाइसिन होती है, और वैंकोमाइसिन होती है। तो फ्रेंड्स ये सब क्या होता है हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स, यानी कौन कौन सी हमारी स्टार्क माल वाली ड्रग्स फ्रेंड्स होती हैं जो इसमें हमसे पूछी जाती हैं। अभी कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट चले क्लियर कर देते हैं बिल्कुल। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई ओनली स्टार्क माल वाली ड्रग्स यहाँ पे याद करनी है सर, क्या इससे अलग नहीं आएंगी एग्ज़ाम में? तो क्या है कि फ्रेंड्स इतनी सारी ड्रग्स आपके एग्ज़ाम्स में दी हुई हैं, लगभग 100 के समथिंग आपसे पहुँच जाएंगे, हो जा सकता है उससे ऊपर भी पहुँच जाए। तो भाई सब तो आपके स्ट्रक्चर तो छोड़िए, आपको ब्रांड नेम तक याद नहीं रहने वाले। इस वजह से क्या होता है फ्रेंड्स जो स्टार मार्क वाली ड्रग्स है वो पीसीआई के थ्रू ही आपको दी गई हैं, यानी जिन ड्रग्स पर स्टार मार्क होता है फ्रेंड्स वही आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब समटाइम फ्रेंड्स क्या होता है भाई एग्जामिनर क्या करते हैं कुछ, यानी एक या दो ड्रग क्या होता है स्टार मार्क से अलग भी आपके लिए रख देते हैं। अब उसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो भाई देखें तो आप सारी ड्रग्स, लेकिन मेन फोकस आप ओनली स्टार मार्क वाली ड्रग्स पर रखें, वही आपसे एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। उससे अलग एक दो ड्रग फ्रेंड्स अलग आती भी है तो इतना तो आपको ऑप्शन में वहाँ पे मिल जाता है। तो ओनली आप फ्रेंड्स इन पे ही अपना टारगेट बना के रखें। तो इसमें दो ही फ्रेंड्स आपके स्टार मार्क वाले ड्रग्स हैं, फर्स्ट एमोक्सिसिलिन और दूसरा फ्रेंड्स आप क्लोरामफेनिकोल है। तो दोनों के फ्रेंड्स विद स्ट्रक्चर्स फुल डिटेल्स में हम देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारी एमोक्सिसिलिन। तो फ्रेंड्स जनरली बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला साल्ट है हमारा। जैसे फ्रेंड्स एमोक्सिसिलिन इज ए पेनिसिलिन डेरिवेटिव। अब भैया हमारा जो एमोक्सिसिलिन होती है पेनिसिलिन का एक डेरिवेटिव होता है जो यूज किया जाता है ट्रीट इन्फेक्शंस। तो फ्रेंड्स भाई सभी एक तरह से देखा जाए तो हमारी एंटीबायोटिक्स होती है मेनली यूज़ इनका इन्फेक्शंस में ही होता है, यानी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में हम इनका यूज़ करते हैं। जो किसके थ्रू फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उसके थ्रू हमारी पॉजिटिव में यहाँ पे एक तरह से इन्फेक्शंस ये किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारे इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या होने वाला है। तो केमिकल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स आपको खुद से याद करना होगा, कितना भी हम आपको समझा दें आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर से आपसे मतलब भूल जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कितना बहुत ही सारी ड्रग्स हैं आपकी स्टार मार्क वाली अगर देखें तो वो भी काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो जितना फ्रेंड्स आप इसको रफली बनाएंगे इतना ही आपके माइंड में ये जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप इसको स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे बना के देखेंगे इतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आप समझा भी देते हैं हम इसको, बाद में आपका क्वेश्चंस ना रह के सर ने समझाया नहीं। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, एक यहाँ पे बेंजिंग रिंग फर्स्टली आपको यहाँ पे बना लेनी है, देन आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड ग्रुप फ्रेंड्स आपको इसको सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे ऐड करना है,
देन फ्रेंड्स आपको डबल बॉन्डिंग इस टाइप से यहाँ पे करनी है, साथ में अमाइन ग्रुप यानी NH2 आपको ऐड कर देना है, साथ में फ्रेंड्स आपको डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आपको ऐड करना है, देन सिंगल बॉन्ड के साथ में आपको यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है, साथ में हाइड्रोजन भी ऐड कर देना है, देन फ्रेंड्स आपको एक खाने की तरह यहाँ पे बनाना है जिसमें नाइट्रोजन आपको ऐड कर देना है, साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन ऐड करना है, सिंगल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन, साथ में फ्रेंड्स एक सल्फर ऐड कर देना है। इस तरह से 5 रिंग स्ट्रक्चर बनाकर दो मिथाइलिन ग्रुप आपको ऐड कर देना है CH3CH3। देन फ्रेंड्स आपको नीचे सिंगल बॉन्ड के साथ में CO2H। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसका केमिकल नेम, यानी हमारा जो एमोक्सिसिलिन है फ्रेंड्स का केमिकल नेम क्या होता है। तो थोड़ा हार्ड फ्रेंड्स का केमिकल नेम है, जितना आप इसको बना के देखेंगे इतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा लगेगा, यानी जितना आप लिख के देखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रांड नेम, यानी कौन कौन से ब्रांड नेम से हमारा एमोक्सिसिलिन अवेलेबल होता है। तो जनरली फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है भाई एमपोक्सिन के नाम से आता है, नोवेमोक्स के नाम से आता है, देन चलिए कुछ जो हमने यहाँ पे भी लिखे हुए जैसे एमोक्सिसिल के नाम से आता है, डाइमोक्स के नाम से आता है, फ्रेंड्स ये मोक्स के नाम से भी आता है, साथ ही हमारा मोक्स टैग। तो ये कुछ ब्रांड नेम है जिनसे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी कौन कौन से फॉर्म में फ्रेंड्स से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स से हमें टैबलेट्स के फॉर्म में मिलता है, देन कैप्सूल के फॉर्म में भी फ्रेंड्स से मिलता है, यानी कैप्सूल में सबसे ज़्यादा मिलता है, सॉरी टैबलेट में उससे कम मिलता है, और हमारा सस्पेंशन के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, जो हमारे क्या होते हैं फीवर वगैरह में हमारे दिए जाते हैं सस्पेंशन वगैरह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज कंडीशन। अब फ्रेंड्स क्या होता है भाई, इसको वेल क्लोज्ड कंटेनर में हम स्टोर करते हैं, साथ ही में इसको प्रोटेक्ट करते हैं मॉइस्चर से, भाई मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर ये आएगा, हीट के प्रेजेंस में आएगा, जिससे ख़राब भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थेरापोटिक डोजेस। अब किस किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, तो यूज़ तो फ्रेंड्स एक एंटीबायोटिक्स के जितने बताए जाएँ कम ही कम है, क्योंकि मोस्टली डिसीज़ में हम इसको चला सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू जितनी डिसीज़ हो रही है उसमें हम इसको दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हम इसको फीवर में यूज़ करते हैं, देन स्किन इन्फेक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नोज़ यानी जो हमें नाक वगैरह होती है उसमें इन्फेक्शन हो गया उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, या नज़ला खांसी वगैरह में, टू ट्रीट स्टमक अल्सर, फ्रेंड्स जो स्टमक में अल्सर हो जाते हैं उसमें भी हम इसका यूज़, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो फ्रेंड्स हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में समटाइम्स क्या होता है इन्फेक्शन हो जाते हैं उसमें भी इसका ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ड्रग्स आ जाती है क्लोरामफेनिकोल। अब फ्रेंड्स इसको हम फुल डिटेल्स में चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो जनरली इसके बारे में 2 लाइन समझा लेते हैं, यानी इट इज़ अ बैक्टीरियो स्टेटिक एंटीबायोटिक्स। अब फ्रेंड्स एक तो हमारी बैक्टीरियो साइडल थी, एक हमारी बैक्टीरियो स्टेटिक्स थी, यानी ये हमारी बैक्टीरिया को बिल्कुल कंप्लीटली किल नहीं करेंगे यहाँ पे, ओनली उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, जिससे लिविंग बॉडी पर उसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो सके। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज्ड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया में हम इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स का केमिकल स्ट्रक्चर हमारे क्या होता है यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल का। तो इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे एमोक्सिसिलिन के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, यानी ओनली फ्रेंड्स आपको एक बेंजीन रिंग यहाँ पे बनानी है, साथ ही में आपको O2N फ्रेंड्स यहाँ पे ऐड करना है, साथ में फ्रेंड्स आपको क्या करना है सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन आपको ऐड करना है, जिसमें फ्रेंड्स बॉन्डिंग आपको करनी है, H आपको यहाँ पे लगाना है और OH आपको यहाँ पे लगाना है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड सिमिलर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना है। देन आपको क्या करना है यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ना लगा के फ्रेंड्स आपको NHCOCHCH2 आपको ऐड कर देना है, देन CH2OH, तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, जिससे आपका क्लोरामफेनिकोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स में केमिकल नेम आपका क्या होगा यहाँ पे क्लोरामफेनिकोल का, फ्रेंड्स ये आपको पढ़ के बता देते हैं, यानी 2,2-dichloro(N1R3R1,3-dihydroxy)1,4-nitrophenyl(propane)1-aldehyde)। अब फ्रेंड्स चलिए ये आपका केमिकल नेम हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रांड नेम फ्रेंड्स हमारे क्या क्या होते हैं क्लोरामफेनिकोल के, तो क्लोरामाइसिटिन के फ्रेंड्स नाम से क्या होता है इजीली हमें देखने को ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी फ्रेंड्स कौन कौन सी ऐसी फॉर्म्स होती है जिसमें इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो जनरल फ्रेंड्स हमारा पाउडर फॉर सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। पाउडर फॉर सॉल्यूशन क्या समझ रहे हैं आप, भाई हमारे सस्पेंशन होते हैं ना, तो क्या होता है पाउडर के फॉर्म में होते हैं, फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये होता है। देन क्या होता है कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल होता है, साथ में हमारे इंजेक्शन, यानी क्या होता है समटाइम्स पाउडर हमारे आते हैं जिसको हमारे सॉल्यूशन एक्वस वाटर हमें मिलता है प्योरीफाइड वाटर, उसमें मिला के हम उसको क्या कर लेते हैं इंजेक्शन से एक तरह से मतलब लिक्विड में चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ फ्रेंड्स स्टोरेज कंडीशन, यहाँ पर हमारी क्या होती है क्लोरामफेनिकोल की, तो वेल क्लोज कंटेनर फ्रेंड्स को स्टोर किया जाता है, साथ ही में इसको मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे इसको कोई भी हार्म ना हो सके इसके यहाँ पे इफेक्ट हो। अब फ्रेंड्स लास्ट में आप देख लेते हैं थेरापोटिक यूजेस, यानी किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप फ्रेंड्स अगर चाहें तो सिमिलर यूज़ यहाँ पर लिख सकते हैं क्लोरामफेनिकोल के और यहाँ पर एमोक्सिसिलिन के,
जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट में हम इसका यूज़ करते हैं, साथ ही में यूज टू ट्रीट फीवर, तो फीवर में हम इसका यूज़ करते हैं। आई इन्फेक्शन में फ्रेंड्स हम इसका यूज़ कर सकते हैं, साथ ही में रिस्केटेसियल इन्फेक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स के फॉर्म में हम इसका यूज़ कर ही रहे हैं, और एज ए एंटीबायोटिक्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होते हैं, आपके जो थेरापूटिक यूजेज होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ आया होगा। देन फ्रेंड्स फिर भी इससे रिलेटेड कोई आपका डाउट या क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपके जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें एक ही टॉपिक आपका यहाँ पे बचा है, एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट्स। तो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स रहेगी उसमें फुल डिटेल्स में फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपके पूरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक ही यहाँ पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में।